नमस्कार, मैं मनीष दुबे जंजवार के लिए। लॉकडाउन खुलने का आज पांचवा से छठा दिन हो गया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। तमाम नेता और अभिनेता लोग हर कहीं पेड़ पौधे लगाकर फ़ोटो खिंचाने के जो है इवेंट के तौर पर मना रहे होंगे। उनकी एक पुरानी आदत, पुराना सगल है हर चीज़ को इवेंट बना देना। वहीं लॉकडाउन खुलने के बाद जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करके जानेंगे कि लॉकडाउन खुलने के बाद कैसा क्या उनके जो व्यापार है उन पर कैसा असर पड़ रहा है, लोग आ रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। अच्छा, तो ये दुकान आप चला रहे हैं जी, अभी लॉकडाउन खुल गया है जी, बंद होने के टाइम तो बंद रही होगी। हाँ, अभी क्या लोग आ रहे हैं दुकान पे? एक्चुअली अजना, अभी दुकान तो दो तीन दिन खोले हुए हो गया है, मगर आदमी तो भरपूर निकल रहा है। मगर सामान जरूर जरूरतमंदों के लिए सामान अपने लिए चाहिए वही ले रहे हैं, अन्यथा नहीं ले रहे हैं। मतलब जो जरूरतमंदी? हाँ, जरूरतमंद के ले रहे हैं, और जिसके बाद आवाजाही तो प्रॉपर बनी हुई। मतलब अभी पहले वाला जो एक वो था, तरीका था कि पहले बिक्री होती होगी, अभी वो नहीं, नहीं, उस बिक्री नहीं हो रही है। रूटीन पे नहीं, नहीं वो रूटीन पे नहीं आ पाया। कुछ और लोगों से हम जानेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? वरुण मिश्रा। अच्छा, तो किस तरीके से अभी व्यापार चल रहा है लॉकडाउन? व्यापार में सर सन्नाटा है, बहुत ज़्यादा सन्नाटा है। मतलब अभी रूटीन पे मामला नहीं आ पाया? रूटीन नहीं, रूटीन नहीं, कोई वॉक इन नहीं है, कस्टमर नहीं है। फिर भी मतलब दिन में दो चार कस्टमर आते हैं? वो तो आता है, दो चार कस्टमर आता। अच्छा, है। लेकिन मान लीजिए जैसे 40-50 कस्टमर आता था, तो 40-50 को बस वही 2-4-6 रह गया है। दिन में दोपहर में सन्नाटा है, सुबह शाम हल्का फुल्का होता है। हमारे साथ भैया लीची बेच रहे हैं। ये क्या हिसाब है लीची? क्या हिसाब है लीची? 70 रुपये किलो। 70 रुपये किलो है तो बिक रही है लीची? नहीं, बिल्कुल सन्नाटा चल रहा है। बिल्कुल सन्नाटा चल रहा है। थोड़ा सा लिहाफ हटा के बताइए। बिल्कुल सन्नाटा चल रहा है, मतलब आदमी आ नहीं रहा है। आ रहा है लेकिन बिक्री नहीं। अच्छा, तो इसी से जीवन यापन इसी से चलता इसी है? इसी से। कितने बाल बच्चे हैं? दो लड़के हैं। दो लड़के हैं। कैसे घर का गुजारा चल रहा होगा? जब आपका सामान नहीं बिक रहा है तो कैसे गुजारा? अब जैसे चल रहा है वैसे कर रहे हैं, बस खाना पीना बस चल रहा है। खाना पीना चल रहा है। लॉकडाउन पहले की अपेक्षा अभी जब लॉकडाउन खुला है कितना असर पड़ा है मसालों पर? अब कुछ ठीक है, पहले से ठीक है, लेकिन अभी उतना नहीं है। उनके समय भी तो खूब बिक्री हुई थी, दबा के बिक्री तो हुई थी, लेकिन हम लोग का काम माल मिल पाया, हम लोग को मिलने पाया, हम लोग छोटे दुकानदार नहीं। कनबुरिया मसाला भी तो पूरे भोकार और दबंगई से चला है लॉकडाउन के समय में, लेकिन पहले तो से अब कुछ ठीक है। पहले से ठीक है? कुछ ठीक है, बस बहुत ठीक नहीं है, लेकिन कुछ ठीक है बस। खाली सरकार ने 10,000 रुपये जो है लोन वगैरह जो है बता रहे हैं, ये रेहड़ी और ठेलिया लगाने वाले लोन ले सकते हैं, लोन ले सकते। क्या कुछ जानकारी है? हाँ, जानकारी हमको नहीं अभी। फार्म और मिल गया, फार्म मिल गया। हाँ, तो क्या 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 लगता है कि मिलेगा पैसा? पता नहीं, अभी बता नहीं सकते, अभी नहीं बता सकते। मिले ना, आप बोले कि हवा में। हाँ, अब जब मिला नहीं है तो कैसे हवा आया है? जब मिला नहीं है तो हवा में। अच्छा, क्या कह रहे हैं चाचा? क्या तीर है? हवा में तीर, कुछ नहीं मिलेगा, हवा में तीर बता रहे हैं बस, ऐसे ही है। हवाबाजी हाँ, मिलना बता रहे हैं। मिलना कुछ नहीं है। मिलना होता तो 500-500 का था, 1000 जा किसके पास आया? अभी तक लाइन लगाए, किसी को कुछ नहीं मिला। कह रहे हैं मिलेगा, मिलेगा क्या मिलेगा? जनधन खाते में आया सिर्फ 500 रुपये, बाकी किसी का नहीं आया। और उम्मीद नहीं है किसी की भी आएगा पैसा। अच्छा, 10,000 रुपये की नया झुंझुना? वो सिर्फ झुंझुना है, झुंझुना देखते रहो लेते रहो, बस मिलेगा कुछ नहीं। सब मतलब हवा में चल रहा? हवा में चल रहा। की सरकार बस बस। कैसा क्या जो है चल रहा है? ये क्या बाटी चोखा है? ये बाटी चोखा चल रहा है वैसा, ये जैसा चलना चाहिए वैसा चल नहीं रहा है। अच्छा, वही टपाटिया चल रहा है, क्या किया जाएगा, घर में बैठे बैठे। अच्छा, क्या लॉकडाउन से पहले जो स्थितियाँ थी अभी कितना फर्क आया है इसमें? पहले सही था, अब तो कोई उतना नहीं है, थोड़ा बहुत निकल जाता है, 25-30 निकल जाती है बस। तो कितने रुपए प्लेट जो है देती हैं आप? 20 रुपए प्लेट। तो दिन भरे में अभी कितनी प्लेट निकल जाती है? अभी कहाँ 20 प्लेट निकला है, अभी ज़्यादा नहीं निकला है। तो ऐसे में तो बड़ी मुश्किलें होती होगी। कितने बाल बच्चे हैं? हमारा है तीन बिटिया थी, तो दो का शादी हो गई, एक बिटिया एक लड़का भी तुम्हारा है। ऐसे में तो तमाम दिक्कतें आती होंगी जो है। बहुत दिक्कतें, आदमी है तो आदमी पे मरिया आदमी है, अभी हार्ट का ऑपरेशन है, लॉकडाउन में हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ गया है। अच्छा, तो आप अकेले ही चलाती हैं दुकान? अकेले चलाती हूं। कब से, कितने साल से चला रही? हो गया 10 साल हो गया। पर्यावरण दिवस है आज,
तो आज पौधों की जो है कैसे क्या बिक्री हुई है, हुआ कुछ बिक्री? हाँ, पौधे लगा रहे लोग, बड़े पौधे लगा रहे हैं। तो बहुत कुछ कर रहे हैं लोग, तो चरस भी बेचते रहे हैं जी लॉकडाउन में। नहीं, पौधे बिक रहे हैं आज, पर्यावरण दिवस, पौधे बिक रहे हैं आज, पौधे बिक रहे हैं। यही आपके सामने ही देखिए कितने सारे लोग लेके जा रहे हैं। लोग तो लेंगे, ये कटहल है। तो खैर चलिए, इतनी गनीमत है कि पर्यावरण वाले दिवस वाले दिन लोग पौधे खरीद रहे हैं, हरियाली की तरफ चल रहे हैं, इनका झुकाव भी लग रहा है। मगर ये कहना गलत नहीं होगा कि आम लोग जो छोटे दुकानदार हैं, जो मज़दूर हैं, वो ज़रूर कहीं ना कहीं इस सरकार से परेशान नज़र आ रहे हैं।